हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट। तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हीं में से एक टॉपिक एसिड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको नए भी लगेंगे और पुराने भी लगेंगे, क्योंकि लैंग्वेज हमने बदल दी है, क्वेश्चन की सेंस बदल दी है, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि यहीं से आपको एसिड का क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने अपने दोस्तों को भी बोलिएगा शेयर करने को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? चारों में से कौन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा? तो ब्लू कौन करता है? रेड टू ब्लू हमेशा कौन करता है? बेस करता है। कौन करता है? बेस यानी क्षार करता है। तो देखिए, विनेगर क्या होता है? विनेगर एक एसिड है, तो ये तो नहीं करेगा, ठीक है। लेमन जूस एक एसिड है, ये भी नहीं करेगा। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, ये भी नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, ये हमारा क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आई होप क्लियर होगा। अब आपको पता होना चाहिए विनेगर में कौन सा एसिड है। विनेगर में इथेनोइक एसिड है, ठीक है, जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड उसे सोरनेस देता है, और कार्बोनिक एसिड उसे फिज देता है या बबल्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा। और जैसे ही ये किसी चीज़ में जाता है या इसमें पानी डलता है, तो ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है? द pH ऑफ HCl इज 4। क्या बोल रहा है? HCl का pH 4 है। दिस शोज दैट मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की? तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, हमेशा ऐसे याद रखिएगा, देखिए, अगर मैंने आपके आगे लिखा 0.1, ठीक है, यानी आप इसको लिखते हो 1/10, यानी कि pH 1 होगा। अगर मैंने आपके सामने लिखा 0.01, 1/100, यानी pH 2 होगा। यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट आप देख रहे हो, पॉइंट के बाद एक डिजिट pH 1, पॉइंट के बाद दो डिजिट pH 2, तो 4 के लिए हमें क्या करना होगा? पॉइंट के बाद चार डिजिट, तो 0.0001, ये क्या होगा? pH 4 होगा। तो आंसर चला गया क्या? ऑप्शन सी। क्लियर है? पॉइंट के बाद डिजिट्स गिनने हैं आपको, क्या करना है? डिजिट्स आफ्टर पॉइंट गिनने इज इक्वल टू pH, ठीक है, ये इसका सिस्टम होता है। तो इसका pH क्या होगा बताओ? इसका pH 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके लिए लोग लूग लगाना पड़ता है, बाकी दोनों ऑप्शन के लिए। क्या है क्वेश्चन, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एसिडिक सोल्ट? इनमें से कौन एक एसिडिक सोल्ट नहीं बनाएगा? तो देखो, सोल्ट कैसे बनता है? सोल्ट बनता है जब एसिड और बेस मिलते हैं, तब बनता है सोल्ट। अगर एसिड स्ट्रोंग हुआ, बेस वीक हुआ, तो बनेगा एसिडिक सोल्ट, ठीक है। जो ज़्यादा स्ट्रोंग है उसी का इफेक्ट दिखेगा। अगर एसिड वीक हुआ और बेस स्ट्रोंग हुआ, तो मिलेगा बेसिक सोल्ट। अब हमें देखना है एसिडिक सोल्ट। तो देखो, फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक दोनों ही स्ट्रोंग है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक में कंपैरेटिवली, वैसे तो दोनों ही स्ट्रोंग है, लेकिन कंपैरेटिवली हमेशा H2SO4 जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है HCl से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एसिडिक सोल्ट। अच्छा, विच डज नॉट फॉर्म एसिडिक सोल्ट बोला हुआ है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर डज नॉट बोला है तो फॉस्फोरिक या कार्बोनिक में से जाएगा, ठीक है। और फॉस्फोरिक और कार्बोनिक में अगर गिनेंगे, तो फॉस्फोरिक जो होता है वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रोंग होता है कार्बोनिक से, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन हम बदल दें इसको, अगर क्वेश्चन आता विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एसिडिक साल्ट, यानी एसिडिक साल्ट कौन बनाएगा, तो एसिडिक सोल्ट जो कौन बनाएगा इनमें से, एसिडिक सोल्ट हमारा बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर जब भी एक एसिड
और एक बेस कंबाइन करते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। अगर स्ट्रोंग एसिड कंबाइन करेगा वीक बेस के साथ तो हमें स्ट्रोंग हमें क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अगर वीक एसिड कंबाइन करेगा स्ट्रोंग बेस के साथ तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें चार दिए हुए हैं, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, HCl, H2SO4, ये भी स्ट्रोंग है ये भी स्ट्रोंग है, तो ये दोनों तो पक्का ही एसिडिक देंगे। इन दोनों की बात करें ना तो H3PO4 जो होता है ये भी एसिडिक देता है, ये नहीं देता, तो आंसर जाएगा H2CO3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, यस, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको लगाना है। ठीक है, तो देखो पानी है आपके पास, पानी तो कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, पानी तो सबसे कम होगा। ठीक है, पानी से ज़्यादा कौन कौन है, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ पे पढ़ा था हमने, विनेगर में पढ़ा था, याद है, तो ये सीरीज जहाँ पे भी दिख रही है उसको मार्क कर दीजिए, कहाँ पे दिख रही है, तो हमें ऑप्शन ए में दिख रही है, तो आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। आपको याद होगा HCl कहाँ होता है, ये हमारे स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक जूस में, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, पानी तो आप सभी को पता है H2O, pH 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, टमाटर से हमें कौन सा एसिड मिलता है, तो टमाटर खाने से पथरी वालों को मना किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्जैलिक एसिड होता है, क्योंकि ये क्या बना देते हैं, कैल्शियम ऑक्जैलेट के क्रिस्टल बना देते हैं, इसीलिए टमाटर आ जाए, स्पिनच आ जाए, इन सब में क्या है, इनमें क्या है भाई, ड्राई फ्रूट्स आ जाए, इन सब में होते हैं क्या, ऑक्जैलिक एसिड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल स्टिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, नेटल स्टिंग, ठीक है, नेटल यानी एक तरीके से आप एंट डंक ही बोल सकते हो, मधुमक्खी का डंक बोल सकते हो, तो मिथेनोइक एसिड क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लो, करेक्शन आएगी यहाँ पे, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, ये गलत है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, मिथेनोइक एसिड है ये, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, तो नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ठीक है, उसके अलावा आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, लैक्टिक एसिड, ये मिल्क में होता है या मिल्क के प्रोडक्ट में होता है, सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है यानी टैमरिंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट, सॉरी, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, कलर चेंजेस टू, कलर क्या हो जाता है, तो यहां पर देखिए क्या बोला है इसने, कॉपर ऑक्साइड के अंदर हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर हमें मिलेगा CuCl2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो CuCl2 होता है ना, कॉपर क्लोराइड, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, ये आपको याद रखना है, कौन सा कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, बस याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड बिकॉज, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, अब ये कई बार क्वेश्चन आता है, आपको नाम कोई भी दे दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन बोला जाएगा ये एक वीक एसिड है, ऐसा क्यों, पहला ऑप्शन है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, नहीं, इट इज हाईली आयनाइज्ड, नहीं, इट इज वीकली आयनाइज्ड, बिल्कुल सही, इट कंटेन COH ग्रुप, नहीं, तो इसका आंसर जाएगा क्या, इट इज वीकली आयनाइज्ड, मतलब समझो जब ये पानी में जाएगा, ये क्या है, पानी, जब एसिडिक एसिड पानी में जाता है तो वो H पॉजिटिव आयन कम देता है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं लेस आयोनाइज्ड या वीकली आयोनाइज्ड। ठीक है, और एसिड की पहचान ही ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे, तो ये वीक इसलिए है क्योंकि ये कम आयोनाइज है, यानी कम हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए ये वीक है। COH ग्रुप है तो ये एसिड होगा ही होगा। ठीक है, इसे वीक और स्ट्रॉन्ग का तो पता ही नहीं लग सकता, सॉल्यूशन एसिडिक है इसे भी वीक और स्ट्रॉन्ग का नहीं पता लग सकता, वीक और स्ट्रॉन्ग का पता लगेगा तो सिर्फ दो चीज़ों से, कि आयन ज़्यादा या आयन कम, अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर H+ आयन कम होंगे तो वीक एसिड, बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो हमें बताती है कि कौन ज्यादा एसिडिक, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर। अब Cl2O7 देखते हैं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा इसको हमें, Cl2O7, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2 क्लोरीन प्लस 7 ऑक्सीजन बराबर 0।
ठीक है, क्लोरीन की कितनी है हमें पता नहीं है, एक्स मान ली हमने, प्लस ऑक्सीजन की हमें पता है माइनस टू होती है इफ इक्वल टू जीरो। ये ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर अगर आपको करना हो तो आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 2x बराबर 14, x बराबर आ गया 7, तो ये तो आ गया प्लस 7, इसमें क्लोरीन का चार्ज कितना है प्लस 7, ठीक है। P4O10 का निकालते हैं, P4O10 तो 4x प्लस 10 इंटू माइनस 2 बराबर 0 लिख दूं, 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 20 डिवाइड बाई 4 5, तो इसकी आ गई प्लस 5। SO3 की निकालते हैं, SO3 की तो x प्लस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स आ गया 6, तो SO3 की आ गई प्लस 6। B2O3 की निकालते हैं, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 बराबर 0, तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x कितना आ गया 6 बाई 2 यानी 3, प्लस 3 आ गया। तो बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, किसकी है, प्लस 7 Cl2O7 की। तो Cl2O7 क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, pH स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए pH पहले में आपको क्या बोला गया है, pH 1, pH 5, pH 2.2, pH 6। सीधी सी बात है, 1, 2, 7 ये क्या होते हैं एसिड, और 1 वाला क्या होता है स्ट्रॉन्ग, और 6.9 वाला क्या होता है वीक, ठीक है। 0 to 7 होते हैं एक्चुअली, ठीक है। 1 वाला स्ट्रॉन्ग और 6.9 वाला वीक, तो pH 1 वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इनमें से सबसे वीक पूछेंगे तो सबसे वीक होगा ये वाला इन चारों में से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, HCl में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये किस में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये मिलता है जब हम HCl में क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, और इसी वजह से ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रिजिया इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय गिवन एसिड। तो एक्वा रिजिया आपको याद होगा दो एसिड से बनता है, HCl प्लस HNO3, और इनकी रेशियो भी याद होगी 3:1। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ये पहले ही ऑप्शन में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर एक्वा रिजिया तैयार होता है। एक्वा रिजिया को हिंदी में अमल राज कहते हैं। विच ऑफ द गिवन एसिड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से कौन है जो ऑक्सी एसिड नहीं है, ऑक्सीजन वाले ऑक्सी एसिड होते हैं, तो ये होता है H2SO4, HNO3, HCl। तो बताओ ऑक्सीजन किस में नहीं है, तो आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड पूछा है अब इसने, ठीक है। अब आपको मिनरल एसिड का मतलब भी पता होना चाहिए। देखो एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो हमें नेचर में मिलते हैं ना उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं, और जो हम लैब वगैरह में प्रिपेयर करते हैं या एक तरीके से ज़्यादा केमिकली होते हैं ना केमिकल वाले, वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो अब सोचो आप मिनरल एसिड कौन सा है, तो आप बताओ लैक्टिक एसिड हमें दूध दही में मिलता है, मिल्क में मिलता है, तो ये एक मिनरल एसिड होगा या नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड बताओ, फॉर्मिक एसिड हमें चींटी के डंक में मिलता है, ठीक है, रेड एंट में, तो ये मिनरल एसिड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टार्ट्रिक एसिड हमें टैमरिन में मिलता है, ये मिनरल एसिड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि तीनों के तीनों हमें फ्रूट्स वेजिटेबल खाने की चीज़ों से मिल रहे हैं, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो मिनरल एसिड कौन सा होगा, मिनरल एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया मैंने, हाँ ये उल्टा लिखा गया, एक्चुअली नेचुरल और लैब लिखो ही मत, आप एक तरीके से ये लिखो, मिनरल एसिड वो होते हैं जिसके अंदर एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन भी नहीं होती इनमें ज़्यादातर देखा जाए तो, और मिनरल एसिड इन जनरल भाषा में आप ये लिखो कि जो लैब वगैरह में नहीं प्रिपेयर किए जाते, ठीक है। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर केमिकली यूज़ किए जाते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो हमें ऑर्गेनिक मिल रहे हैं यानी नेचर में मिल रहे हैं। कहते हैं ना आजकल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का जमाना है,
तो नेचर में मिलने वाली। तो लैक्टिक एसिड हमें दूध दही में मिल रहा है, नेचर दे रहा है। फॉर्मिक एसिड लाल चीटी के नंग में नेचर दे रहा है। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में, इमली में नेचर दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है नो डाउट, बट उसे निकाल नहीं सकते हम, यूज नहीं करते उसको निकाल के। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड हो गया, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचर में मिल रहा है, तो सिट्रिक हमें नेचर में मिल रहा है, लैक्टिक हमें नेचर में मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक हमें नेचर में नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, बोथ वन एंड थ्री क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है इसमें से। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये तो बिल्कुल ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है एसिड, बिल्कुल सही है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है, जैसे ही HCl को पानी में डाल दो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। एसिड रिएक्ट विद 14 मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल ठीक है, जब भी हम मेटल के अंदर एसिड डालते हैं तो हमें क्या मिलती है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी पेज नंबर 10 आ गया हमारे पास। विच वन ऑफ द गिवन एसिड इफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिसीज, स्कर्वी और बोन मैरो के लिए कौन सा एसिड यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है, लैक ऑफ विटामिन सी से जो बीमारी होती है ना वो होती है स्कर्वी। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है बताओ, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंसर चला जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से बोन मैरो या स्कर्वी की डिसीज होती है, ठीक है। एसिटिक एसिड में आपको कई बार बता चुकी हूँ विनेगर में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पीवीसी बनाने में काम आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, एलम बनाने में काम आता है ये, ठीक है। उसके अलावा जो है HCl जो है ये हमारे एक्वारीजिया को बनाने में भी काम आता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो डायनामाइट्स एक्सप्लोजिव जो है उसको बनाने में काम आता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में होता है ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्वारीजिया में भी नाइट्रिक एसिड काम आता है। जनरली व्हेन 14 क्या, देखिए जनरली व्हेन 14 मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा पानी में। मैंने बताया ना आयोनाइजेशन से ही पता लगता है कौन कितना स्ट्रॉन्ग, तो कम्प्लीटली गेट आयोनाइज मतलब जितना था सारा का सारा टूट गया हाइड्रोजन आयन और दूसरे आयन में, ठीक है, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है। पार्शली जो आयोनाइज होंगे वो वीक एसिड होंगे, जो होंगे ही नहीं वो एसिड ही नहीं होंगे, एसिड ही नहीं है, ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। Which acid is used in cola to give a bitter sharp taste? जो एकदम कड़वा सा biting sharp taste जो आता है, एक खट्टा सा taste आता है, वो किस वजह से आता है, phosphoric acid यानी H3PO4 की वजह से। मैंने कई बार बता दिया है sulfuric acid आपकी oil of vitriol होता है, अम्लों का राजा, ठीक है, king of acid, ये कार की बैटरियों में मिलता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड हमारे टैमरिन में होता है, इससे बेकिंग पाउडर भी बनता है। सिट्रिक एसिड हमारे खट्टे फ्रूट्स में होता है और ये हमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज, गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है वो लगभग 1.5 होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है, 6.5 के अंदर 7 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 7 से ज़्यादा तो बेस हो गया। 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब तो सीधे 5 बोल दिया उसने, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब तो वीक एसिड हुआ, ठीक है। तो आंसर आपका ए चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, 6.5 से कम, ठीक है, क्या होगा, 6.5 से कम, लेस देन 6.5, लगभग 1.5 से 2 होता है आपके पेट का पीएच, गैस्ट्रिक जूस का पीएच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज यूज्ड इन पिकलिंग एज इट, पिकलिंग मतलब अचार डालने में विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक एसिड है, सिर्फ इसलिए, तो एसिड तो HCl भी है, क्या उसे अचार में डाल देंगे, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एसिड होना तो नहीं हो सकता ना,
इंक्रीज टेस्ट विनेगर, कोई टेस्ट नहीं बढ़ाता, कोई खास बात नहीं है, टेस्ट तो कोई और भी बढ़ा देगा तो आप वो थोड़ा डाल दोगे। प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पीकल यानी मॉइस्चर उड़ने से रोकता है, नहीं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, बिल्कुल सही। जो विनेगर होता है वो अगर हम अचार में डालेंगे तो अचार लंबे समय तक सही चलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स जो हैं यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, वो ग्रो ही नहीं करेंगे, उन्हें किल कर देता है विनेगर, ठीक है, ये विनेगर का सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्यूटायरिक एसिड इज फाउंड इन, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ब्यूटायरिक एसिड कहाँ मिलता है, तो ब्यूटायरिक एसिड मिलता है रेंसिड बटर में, यानी कि जो मक्खन होता है, मक्खन के अंदर ब्यूटायरिक एसिड मिलता है, ठीक है। रेंसिड केक में क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड आप बोल सकते हो मिलता है इसके अंदर, क्योंकि हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालते हैं। स्टिंग ऑफ बीज में आप जानते हैं मिथेनोइक एसिड मिलता है, मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट एज कॉम्पोनेंट इन गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, यानी कि इनमें से कौन है जो गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक में नहीं मौजूद, ठीक है। तो देखिए आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पक्का होता है, बाकी तीनों का आपको कोई आइडिया नहीं है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl होता है, नमक होता है, ये भी होता है, ठीक है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी होता है, आंसर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको आप करोगे कैसे अगर आपको नहीं पता, तो देखो आपको ये पता है कि मैम ने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़ाया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र आपके पेट में नहीं किया, यानी कि आपके पेट में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, बस इतना सोच के आपको सल्फ्यूरिक एसिड को मार्क कर देना है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, देखिए, एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज इनटू, एसिड मिथाइल ऑरेंज को किस कलर कर देता है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, जैसे हमने लिटमस की बात की थी ना, लिटमस हमें बताता है कोई चीज़ एसिड है या बेस है रंग बदल के, ये भी रंग बदल के बताता है। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का होता है, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया, एसिड के डलते ये रेड हो जाता है, ठीक है। तो रेड कलर अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो डाला है वो चीज़ एसिड है, लेकिन अगर रेड की बजाय ये कोई और कलर का हो जाता है तो ये आपको बताएगा कि एसिड नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर का मतलब है आपने उसमें एसिड डाल दिया, क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास हो गई हमारी ख़त्म, सारे के सारे एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे ना, मैंने आपको सब के सब करवा दिए। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छी सी स्माइल जो है वो अपने फेस पर ले आइए। जब वीडियो खत्म हो तो हमेशा हंसते हुए जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।